शहबाज गिल साहब के ख्याल हैं, वो पार्टी के ख्याल थे, शहबाज गिल साहब गलत फहमी फैलाना चाहते थे या लड़ाना चाहते थे फौज के साथ आपको? क्योंकि आपने ख्वाजा आसिफ के बयान पे उसको नंगा करके नहीं मारा, क्योंकि आपने अयाज सादिक को उसके बयान में नंगा करके नहीं मारा, फजल रहमान को उसके बयान पे फौज पे नंगा करके नहीं मारा, ख्वाजा आसिफ को आपने नंगा करके नहीं मारा, आपने नवाज शरीफ को फौज के ऊपर बुरा बुरा बोलने पर, नाम लेने पर नंगा करके नहीं मारा। तो उस प्रेसिडेंट के तहत शहबाज गिल ने भी अपनी लाइन क्रॉस की, किसने नंगा किया, किसने नहीं मारा सर? मेरा इमरान खान चाहते हैं ना, इमरान खान चाहते हैं ना, हम ऐसी कोई सियासत करना चाहते हैं ना करेंगे। वो शहबाज गिल का बयान है, वो शहबाज गिल की जात तक का बयान है। लेकिन अगर शहबाज गिल पे पुलिस तशद्दुद हो रहा है फेडरल की तरफ से, तो मैं फेडरल से चाहूंगा कि इतना ही तशद्दुद वो अपनी पार्टी के लीडर समेत करे, तो हम कहेंगे चले जी ये गलत प्रेसिडेंट है, मारपीट लेकिन ठीक है सबके साथ ही कर लिया। अच्छा, लेकिन ये नहीं हो सकता। वैसे ये वर्षे फरमाइएगा कि तशद्दुद बाकी हुआ है और ये किसने किया है, पहले ये फैसला करें, ये किस अगर हुआ है तो किसने किया है पहले ये बताएं। क्या राणा सनाउल्लाह साहब ने किया सर? ये देखिए फेडरल गवर्नमेंट, डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट पीछे है इसके। राणा सनाउल्लाह खुद तो जाके नहीं छड़ी मारेगा, और अगर आप चाहते हैं तो आप वो तस्वीरें देख ले, या आपके अंदर कलेजा है तो आप उसका कमरे में, बंद कमरे में देख ले, आप एंकर हैं, आप उसकी सेंटिटी और इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करके हम उसे कपड़े उतार कर देंगे, कौम को दिखा सकते हैं कि उसका ये हुआ है, हुआ तो है, ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट अगर कह रही है, गवर्नमेंट ने किया है, तो मुझे और आपको उस पर बहस करनी होती, नहीं तो ये गवर्नमेंट ने किया है और ये गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसकी? पर नहीं, गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, लेकिन गवर्नमेंट चाह रही है कि इसका सारा मलबा हम एस्टैब्लिशमेंट पर डाल दें, और एस्टैब्लिशमेंट से हमारी इस बात पर लड़ाई हो जाए। राणा सनाउल्लाह साहब के खिलाफ जो हेमन का केस बना था, वो फिर आपकी गवर्नमेंट जिम्मेदार थी। मियां नवाज शरीफ साहब का जब एसी उतारना चाह रहे थे, या उनको दवाइयां नहीं दे रहे थे, या खाना नहीं दे रहे थे, आप जिम्मेदार थे। शायद खाकान अब्बासी को जब जमीन पर लिटाया गया था, आप जिम्मेदार थे। मियां शहबाज शरीफ साहब को जमीन पर लटाया गया था, आप जिम्मेदार थे। फवाद हसन फवाद को बाथरूम की सहूलत दी गई, फिर आप जिम्मेदार थे। एक बार चौधरी साहब एक बार रुक जाए सर, मैं काबीना में वफाकी वजीर था, और राणा सनाउल्लाह पे जो केस बनाया था उस पर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन मैंने और फवाद चौधरी ने किया था। तो हम बड़े खरे हैं और फेयर हैं, राणा सनाउल्लाह से हमें मोहब्बत नहीं, लेकिन किसी के साथ भी कोई चीज गलत होगी तो हम उस पर आवाज उठाएंगे। हम आंखों से अंधे, कान से बहरे, हमारे शो में आके उसके बाद दोबारा कसम खा चुके हैं कि वो केस ठीक था। वो उसका जवाब अफरीदी साहब देखे, मैंने काबीना में जो बात की और फवाद ने जो काबीना में बात की वो भी बड़ी क्लियर है, वो भी पूरे रिकॉर्ड मीडिया का हिस्सा और फेडरेशन मिनट्स का भी हिस्सा है। हमने कहा था ये बकवास केस बनाया गया है, गलत है, जिसका सर पैर ना हो वो काम ना करे, और अभी भी जो काम बहुत सारे हो रहे हैं वो सर पैर के बगैर हो रहे हैं, वो बैकफायर ही करेंगे।